हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित है और मैंने EVM से EFT का कोर्स और मनी अट्रैक्शन का कोर्स किया है। मुझे कहीं से पता लगा था तो फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और काफ़ी इफेक्टिव लगा मुझे EFT भी, मतलब पेन रिलीफ। बेसिकली आज हमने जो मेडिटेशन की तो उसके थ्रू मतलब काफ़ी इफेक्ट लगा कि आप किसी बॉडी पार्ट पे अपने कॉन्सेंट्रेट करके कुछ, मतलब अपना प्रॉपर टेक्निक से हमको यूज़ करके उस चीज़ को हील कर सकते हैं। और EFT जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहा आज का। और जो मैंने मनी अट्रैक्शन कोर्स लिया था उसमें भी काफ़ी टेक्निक्स मिली कि कैसे आप मतलब रिस्पेक्ट कर सकते हैं मनी की, और कैसे आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पास, और कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि मतलब इतने पॉजिटिव हों कि अपने आप पैसा आपके पास चल जाए। कुछ आपके मतलब बॉडी पार्ट्स में ऐसी मतलब पॉइंट्स हैं जैसे एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर हमारी टेक्निक्स हैं, वैसा ही कुछ। तो हम वहाँ पे उन पॉइंट्स पे टैप करते हैं तो हमें और अपना मतलब अफर्मेशंस होते हैं जो गुरुजन सिखाई हैं, और उन एफर्मेशंस के साथ हम उन बॉडी पे टैप करते हैं तो हम अपने आप को खुद हील कर सकते हैं। और बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं जो मतलब हील हो जाती हैं जिनके कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही होती, या फिर कोई डॉक्टर भी मतलब अपना हाथ पीछे कर चुके होते हैं बट फिर भी काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक्स हैं। और बाकी सबका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मेरा पर्सनल एक्चुअली मेरे ना पैर में थोड़ी सी दर्द थी तो फिर वही एफर्मेशन उसकी डेवलप करी उससे रिलेटेड, और उस बॉडी पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया, और जैसे सर गाइड कर रहे थे गुरुजी तो फिर उसी हिसाब से हम चले, और फिर काफ़ी लगा अब मेरे को शायद पेन फील नहीं हो रहा या नेग्लिजेबल है। ये तीन चीज़ें हैं जो सिर्फ हमने बांधा हुआ अपने दिमाग में कि ये चीज़ हमारे साथ है बट एक्चुअल में नहीं होती, तो वो चीज़ें निकल जाती हैं बड़ी आसानी से, वो तो उसी वक्त हो जाती हैं। और बड़ी से बड़ी चीज़ भी अगर है तो वो फिर टाइम लग लेगी बट स्टिल इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। प्रोसीजर आसान है करना या डिफिकल्ट है? नहीं, प्रोसीजर तो बहुत आसान है बट स्टिल ये है कि अब वो आपके ऊपर आप कितनी उससे कनेक्टिविटी से वो चीज़ करते हैं। तो ओवरऑल आज जो आपने सीखा है, क्या आपका डे कैसा गया? मेरा डे ऑल ओवर अच्छा गया, और मेडिटेशन भी की काफ़ी अच्छा रहा, रिलैक्स फील किया, और मतलब आप फ्री फील करते हो कि नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो गई, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये एक्सपीरियंस है। तो लाइफ को देखने का आउटलुक आपका चेंज हुआ है या नहीं? हाँ, लाइफ को देखने का आउटलुक बिल्कुल चेंज हुआ है। ऐसे होता है कि हम भाग रहे होते हैं इधर उधर सॉल्यूशंस के लिए, बट सारे लाइफ के आधे ज़्यादा सॉल्यूशन अपने अंदर ही हैं। सो बेसिकली मुझे तो काफ़ी इफेक्टिव लगी ये चीज़। और EVM और सर के बारे में आप लास्ट वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे? EVM एक्चुअली मेरी फ्रेंड है तो फिर उनके थ्रू ही था, तो मैं काफ़ी पहले से भी जानता सर को, तो फिर पता चला तो फिर मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए, अपने फ्रेंड ने परस्यू किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक स्पिरिचुअल कुछ ऐसे नहीं कि कुछ कैलकुलेशन हैं या फालतू की बातें हवा में हो रही हैं, बट स्टिल इट्स अबाउट टू नो योर बॉडी, टू नो योर स्ट्रेंथ, कि आपके दिमाग में कितनी ताकत है, जो हम वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, बस फ़र्क सिर्फ इतना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में ग्लैंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड, जिसमें कहते हैं कि मतलब पत्ते वत्ते भी इंसान खाए तो उसको वो भी पच जाए बट वो डेड है, बट नहीं है क्योंकि हमें यूज़ ही नहीं करते उसको। तो ऐसे दिमाग में भी कई ऐसी चीज़ें हैं, हम तो पूरा ब्रेन का यूज़ ही नहीं करते, तो वही चीज़ है, मेडिटेशन हेल्प करती है उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। और वो चीज़ थैंक यू सो मच।